हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, ये चैप्टर जिसमें कि हम देख रहे थे कि कैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं हमारे चारों तरफ। सो वी आर एबल टू सी हियर व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो स्टूडेंट्स, आपको देखना यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक्टिविटी थ्री में दिखाया जा रहा है कि कैसे, देखिए जो है जैसे हम आटे से रोटी बनाते हैं, तो भाई आटा पहले देखिए पाउडर फॉर्म में होता है, फिर उसको हम पानी से सान के गीला करते हैं, फिर उसको हम गोल गोल रोटी बनाते हैं, फिर रोटी को तावे पे सेकते हैं, तो ये सारी प्रोसेस करते हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, आटे के अंदर कितना ज़्यादा हमने चेंजेस लाया, ठीक है। तो आपको यही सारा पूरा याद रखना है कि यहाँ पे किस तरह से चेंज हो रहा है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, घर में भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐसे आप डिफरेंट काम करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि हम बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, चाहे रोटी बनाना हो, चाहे सब्ज़ी बनाना हो, चाहे चावल बनाना हो, चाहे दाल बनाना हो, है ना। तो सब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटी बनाने वाला, ठीक। तो यहाँ पे देखिए शेप साइज किस तरह से उनका स्ट्रक्चर पूरा सब कुछ चेंज हो रहा है। तो यही आपको इसमें याद रखना है कि किस तरह से सारी चीज़ें बदल रही हैं, कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। और कुछ किसी केस में क्या होता है कि भाई हम वो मटेरियल वापस पा सकते हैं जो पहले था, लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि वो मटेरियल हम वापस नहीं पा सकते हैं जो कि पहले वो था, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है कुछ चीज़ें इरिवर्सिबल हैं, कुछ चेंज रिवर्सिबल हैं, यानी कि जिस मटेरियल से हमने शुरू में शुरुआत की थी और एक चेंज ला दिया था, तो उस मटेरियल को दोबारा पाना कई बार क्या होता है कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं, ये यहाँ पे समझने वाली एक बात है, ठीक है। तो ये देखिए, आप जैसे देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बता रहा है, बैलून को आप लीजिए, उसको फुल साइज फुला दीजिए, अगर मान लीजिए बलून फट जाए, तो फट जाएगा तो देखिए उसका शेप अलग हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं हम देख रहे हैं यहाँ पे बलून के केस में, जो हम देख रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा हम फुला देते हैं बलून को, और उसको हम छेद करें इसमें किसी पॉइंटेड चीज़ से, किसी पेंसिल से, किसी पेन से, तो वो फट जाता है। देखिए फिर वो दोबारा उतने अच्छे से नहीं फूलेगा, थोड़ा बहुत फूलेगा तो उसको हम बांध बांध के फुला सकते हैं जैसे भी करके, लेकिन फिर वो ओरिजिनल उस तरह से नहीं होगा। तो कुछ चेंजेस मतलब ऐसे होते हैं जो दोबारा उसको सही नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें वो वापस ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो यही आपको दिमाग में रखना है। अब जैसे देखिए ये एक्टिविटी बता रहा है, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, ठीक, उसके ऊपर एक एरोप्लेन बनाइए, उसको फिर कट कर दीजिए आउटलाइन से, पेपर से कट करके हमने निकाल लिया। तो ये भी देखिए चेंज हो गया, पेपर में देखिए शेप बन गया, पेपर से कटा हुआ शेप हमें मिल गया, ठीक है। रोटी बना के देखिए तवे पे, पेपर से काट के देखिए, या फिर आप जो है कोई भी ऐसी चीज़ करके देखिए घर में जो सिंपल आप देखते हैं काम होते हैं, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही सब दिखाया गया, सिर्फ सिंपली कि किस तरह से चीज़ों को हम चेंजेस लाते हैं। जैसे हम पेंसिल और इरेजर यूज़ कर रहे हैं, तो उनका शेप क्या होता है, चेंज होता है। जैसे इरेजर है, रबर होता है, देखिए मिटाते मिटाते वो पहले बड़ा सा एकदम स्क्वायर में होता है, फिर धीरे धीरे टेढ़ा होता है, फिर गोल होता है, फिर ऐसे ऐसे उसका शेप भी चेंज हो जाता है। तो उसको हम दोबारा वापस शेप में नहीं ला सकते। पेंसिल ऐसे लिखते लिखते ख़त्म हो जाती है, बड़ी सी लंबी सी होती है, फिर वो छोटी हो जाती है, तो उसका शेप भी चेंज हो जाता है, तो उसका दोबारा शेप हम लोग वापस नहीं ला सकते। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि कुछ चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर आपको यही समझाया जा रहा है कि कुछ चीज़ें रिवर्स
नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक हमने और देखा, जैसे हम रोटी बनाते हैं या हम पेपर से एरोप्लेन काट के बनाते हैं या हम पेंसिल का यूज़ करते हैं या हम इरेजर का यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं कि दोबारा हम वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते जो ओरिजिनल में पहले से थी। सो वी अगेन गेट द सेम थिंग व्हाट इट वॉज अर्लियर। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सम चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड सम चेंजेस आर इररिवर्सिबल। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सम कैन बी रिवर्सिबल एंड सम कैन बी इररिवर्सिबल। तो दो तरह के चेंजेस हैं, यही आपको अपने दिमाग में बिठाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दो पेज हमने पढ़ लिया है। अब ये दो पेज आप अच्छे से पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनको सॉल्व कीजिए, रीड कीजिए, वीडियो को देखिए अच्छे से, पूरा समझिए, वीडियो को एक बार दो बार देखिए। अब हम डेली एक एक पेज पढ़ रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो तुरंत आप ग्रुप में पूछिए, आप लोग एक्टिव रहिए ग्रुप में, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम और पढ़ेंगे चेंजेस कैसे कैसे हम ला सकते हैं और भी। तो ये थोड़ा थोड़ा है, इसको हम पढ़ते रहेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो आज ये मैंने बता दिया आपको, रोटी वाला, एरोप्लेन वाला, या घर में और भी चीज़ें जैसे रबर, पेंसिल, इरेजर, या घर में कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसको देखिए उसके शेप में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कोई भी ऐसा काम करते हो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए गाजर है, मूली है, घर में आप लाते हैं बाजार से, फिर उसको आप काटते हैं, फिर उसको आप सब्ज़ी बनाते हैं, या गाजर मूली आप काट काट के उसका पीस छोटा कर देते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, कहीं कहीं क्या होता है कि उसका शेप वापस हम ला सकते हैं और कहीं कहीं क्या हो रहा है उसका शेप वापस हम लोग नहीं ला सकते। यानी कि चेंजेस दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल जहाँ पे उसका पहले वाला स्टेट हम वापस ला सकते हैं, और इरिवर्सिबल वो होता है जहाँ पे उसका पहले वाला स्टेट हम लोग वापस नहीं ला सकते। ठीक है, सो चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रिवर्सिबल चेंज एंड अनदर इज इरिवर्सिबल चेंज। सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। तो स्टूडेंट्स ये दो पेज अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो भी डाउट हो पूछिए, और नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, इसमें क्या क्या बता रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है इसको एक एक लाइन आपको पढ़ना है, एक एक एक्टिविटी है या छोटी मोटी एक्टिविटीज़ अगर घर में आप कर सकते हैं तो कर भी लीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे यहाँ ये सारा कुछ जो टूल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया, इसको अच्छे से समझिए, जो ना समझ में आए पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।